देखो सेंटी करने की कोशिश मत करो, उस दिन इस प्यार का आधा भी दिखा दिया होता ना तो मेरी बेइज्जती नहीं होती सबके सामने। और उस दिन तुम्हारे बुलाने पर ही आया था ना मैं तुम्हारे कमरे के अंदर। हाँ? मेरे पिताजी अचानक वहां आ जाएंगे मुझे पता था क्या? या क्या? उस समय मेरे पिताजी अचानक वहां आ जाएंगे मुझे पता था क्या? हाँ ओके, तुम्हें पता नहीं था, लेकिन उस इंसान के सामने मुझ पर इल्जाम लगाकर तुम भाग क्यों गई थी? तो मैं क्या करती? मैं स्टक हो गई थी। अब वहां क्या करते तुम्हें पता नहीं है क्या? हाँ पता है, वहां तो उस औरत ने भी देखा था ना, और दो हफ्ते बाद वो मेरी टांग खींच रही थी। सिर्फ वही लोग नहीं, वो भास्कर के घरवाले भी उस बात को लेकर मेरा मजाक उड़ा रहे थे। वो बेइज्जती मैं कभी नहीं भूल सकता, तुमने खुद को तो बचा लिया, इल्जाम मेरे सर पर डाल दिया। ऐसा मैंने बोला क्या? तुमने नहीं बोला, लेकिन जो बोलना था वो भी तो नहीं बोला। पिताजी ने सब कुछ बोल दिया, उनको तो मौका ही मिल गया ना। प्रकाश, पिताजी ऐसा कुछ नहीं सोचेंगे, उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है प्रकाश तुमसे बात करने के लिए। वो तो बोलेंगी। प्रकाश, तुम किसी पर भी भरोसा नहीं करते, इसलिए पिताजी ने मुझे ये कहकर भेजा है कि अगर प्रकाश तुमसे आज भी पहले की तरह प्यार करता है तो उससे शादी कर लो। मुझे कुछ भी नहीं सुनना, बात करनी है। मैं किसी अनजान इंसान के साथ जिंदगी नहीं जी सकती प्रकाश, हम एक दूसरे को बहुत करीब से जानते हैं ना। प्रकाश प्लीज, मुझसे गलती हो गई, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, गॉड प्रॉमिस। सुन, ज्यादा लाड़ मत दिखा। मैं पिघलने वाला नहीं हूं, जाके आराम से सो जा, नहीं तो मुझे कहीं जाना पड़ेगा। बेकार का नाटक करके मेरा दिमाग खा रही है। कर देना प्रकाश, रियली सॉरी। 2 साल हो गए, इस बीच मैंने तुमसे कई बार बात करने की कोशिश की, सॉरी लिखकर मैसेज भी भेजे, पर तुमने किसी भी मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। मैंने सोचा था कि वक्त के साथ तुम्हारा गुस्सा कम हो जाएगा, और उस बीच मामा हॉस्पिटल में थे तो लगा तुम टेंशन में उलझे होगे, लेकिन तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतना गुबार है ये मुझे पता नहीं था। बेंगलोर से निकलते वक्त मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था कि तुम्हारा गुस्सा कम हो गया होगा। कल मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ देना, टिकट बुक नहीं करवाया है, बिना रिजर्वेशन टिकट के चली जाऊंगी। खैर कोई बात नहीं, गुड नाइट।